आपको बता दें, अमावस्या तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। यदि अगर अमावस्या का दिन सोमवार को पड़ जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या 12 तारीख को पड़ रही है। खास बात यह है कि इस साल एक ही सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगी जो सोमवती अमावस्या को ध्यान में रखकर करनी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस खास दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, इस साल एक ही सोमवती अमावस्या पड़ रही है जो कि 12 तारीख को है और जो बहुत ही खास मानी जाती है। यह साल की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार चंद्रमा का दिन होता है। अमावस्या पड़ने पर सूर्य और चंद्रमा एक सीध में रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या को क्या करना चाहिए। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही इस दिन दान का भी विशेष महत्व माना गया है। यदि आप किसी कारणवश नदी पर नहीं स्नान कर सकते तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करें, जैसे अन्न, वस्त्र, खाने की चीजें से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। इसी के साथ पितरों के निमित्त भी जल अर्पण करना चाहिए, इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन शिव की आराधना जरूर करें और साथ में ओम का जाप जरूर करें। इस दिन तुलसी पूजा का भी बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन तुलसी पूजा करने के पश्चात 108 परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सुख शुभाप की वृद्धि होती है। पर मोक्ष के दाता शिव जी की महिलाएं पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। और पीपल के पेड़ में शिव जी का वास माना जाता है। महिलाएं पीपल के पेड़ की भी पूजा करती हैं और परिक्रमा भी करती हैं। यह भी माना जाता है पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध की रस्मों को अमावस्या के सभी दिन करने के लिए उपयुक्त है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन शमशान और सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, यह वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां जागरूक होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और इस दिन देर तक सोना वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक भोजन और नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, पीपल की पूजा जरूर करें लेकिन पीपल को स्पर्श ना करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।